एक दर्जन केले में 12 केले ही क्यों होते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि एक दर्जन केले में 12 केले ही क्यों होते हैं? अगर आपका जवाब नहीं है तो आइए जानते हैं पूरा विस्तार से इस वीडियो में। अगर आप पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में केले से जुड़े दो शब्द जरूर लिखें। तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, केले जैसे वस्तुओं के लिए मानक मात्रा के रूप में एक दर्जन 12 का चुनाव काफी हद तक एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परंपरा है। संख्या 12 के 1, 2, 3, 4 और 6 से विभाज्य होने के कारण इसके व्यावहारिक लाभ है, जो इसे विभिन्न गणनाओं के लिए बहुमुखी बनाता है। यह सम्मेलन प्राचीन काल से चलता आ रहा है, जब मानव समाज को व्यापार, गिनती और मापने के लिए ऐसी संख्याएं सुविधाजनक लगती थी। केले के मामले में कई अन्य सामानों की तरह दर्जन पैकेजिंग, बिक्री और विनिमय के लिए एक मानवकृत इकाई के रूप में कार्य करता है। हालांकि केले के लिए कोई अंतर्निहित कारण नहीं है, लेकिन दर्जनों का उपयोग लॉजिस्टिक्स प्रक्रियाओं को सरल बनाता है और व्यावसायिक प्रथाओं में शामिल हो गया है। यह विक्रेताओं और उपभोक्ताओं दोनों के लिए एक व्यावहारिक और प्रबंधनीय मात्रा प्रदान करता है, जिससे केले अक्सर बेचे जाने के तरीके में इसकी दृढ़ता में योगदान करता है। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर कोई भी सवाल का जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।